सबको जय यीशु की। प्रभु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, चालीसे की अवधि के पांचवें इतवार के पूजन पद्धति में आज के दिन में हम सभी भाग लेने वाले हैं या भाग ले रहे हैं या भाग ले चुके हैं। आज मार्च की 26 तारीख है। आज का विषय है जीवन देने वाला ईश्वर। ईश्वर हम सबों को जीवन दिया है, जीवन देता है और वो जीवन देने वाला है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा कहता है, यूहन्न का सुसमाचार अध्याय 10 संख्या 10 में, मैं दुनिया में इसलिए आया हूँ ताकि उन सबों को जीवन मिले और जीवन बहुतायत से मिले। और उससे पूर्व प्रभु कहता है, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है, मैं इसलिए आया हूँ ताकि उन सबों को बहुतायत का, परिपूर्णता का जीवन मिले। प्यारे भाइयों बहनों, आज के दिन में हम लोग इस विषय को लेकर मनन चिंतन करें कि प्रभु हम सबों को किस प्रकार का जीवन से भरना चाहते हैं। आज का पहला पाठ नबी एसेकेल के ग्रंथ से लिया गया, अध्याय 37 संख्या 12 से 14 का प्रसंग में यहाँ पर ये लिखा है, तुम उनसे कहोगे, प्रभु यह कहता है, मैं तुम्हारी कब्रों को खोल दूंगा। मेरी प्रजा, मैं तुम लोगों को कब्रों में से निकाल कर इज़राइल की धरती पर वापस ले जाऊंगा। मेरी प्रजा, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलकर तुम लोगों को उनमें से निकालूंगा, तो तुम जान जाओगे कि मैं ही प्रभु हूँ। मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। प्रभु हम सबों को बताता है किस प्रकार का जीवन, वो पवित्र जीवन, और उसके लिए पवित्र आत्मा वो हम सबों को प्रदान करेगा। आत्मा हम सबों के अंदर उस पवित्रता का जीवन का संचार करेगा। ये प्रभु का कार्य है। इसलिए प्रभु कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी धरती पर बसाऊंगा और तुम लोग जान जाओगे कि मैं प्रभु ने यह कहा और पूरा भी किया। प्यारे भाइयों बहनों, चालीसे की इस अवधि में प्रभु हम सबों को आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए, आत्मा से संचालित होकर जीने के लिए, पवित्र आत्मा के उस पवित्र जीवन को जीने के लिए हमें बुलावा देता है। इसलिए आज के दूसरे पार्ट में प्रभु हमें बताता है, जो रोमियों को लिखे हुए पत्र अध्याय 8 संख्या 8 से 11 में, जो लोग शरीर के वासनाओं से संचालित हैं उन पर ईश्वर प्रसन्न नहीं होता। जो आत्मा का जीवन नहीं जीते, वो शरीर का जीवन जीते हैं। शरीर का जीवन जीने वाले वासना से संचालित हैं और प्रभु उनसे प्रसन्न नहीं होता। यदि ईश्वर का आत्मा सचमुच आप लोगों में निवास करता है, तो आप शरीर के वासनाओं से नहीं बल्कि आत्मा से संचालित हैं। तो हम में ईश्वर का आत्मा निवास करना है, ईश्वर का आत्मा निवास करना है। उस पवित्र आत्मा के लिए हमें प्रार्थना करनी होगी, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा, पापों को स्वीकार करते हुए अपने आप को पवित्र बनाना होगा, प्रतीक्षा करना होगा, इंतज़ार करना होगा और बड़ी लंबी गहरी तैयारी करनी होगी, जिससे कि पवित्र आत्मा का ताज़ा अभिषेक हमें मिले, पवित्र आत्मा का जीवन हमें मिले और हम पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होकर जी सकें। अन्यथा मनुष्य शारीरिक वासनाओं से संचालित होगा तो हम में वो जीवन नहीं रहेगा। जिस मनुष्य में मसीह का आत्मा निवास नहीं करता, वह मसीह का नहीं है। जिस मनुष्य में यीशु का आत्मा निवास नहीं करता, यीशु का पवित्र आत्मा निवास करता, वह व्यक्ति यीशु का नहीं हो सकता। प्रभु का वचन कहता है, यदि मसीह आप में निवास करते हैं तो पाप के फलस्वरूप शरीर भले ही मर जाए, किंतु पाप मुक्ति के फलस्वरूप आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। बहुत सुंदर बात प्रभु हमें कहता है, यदि हम प्रभु के आत्मा से संचालित होकर जिए, भले ही पाप में शरीर भले ही मर जाए, लेकिन तब भी वो जीवन हम में बना रहेगा। जिसने ईसा को मृतकों से जिलाया, यदि
उसका आत्मा आप लोग में निवास करता है, तो जिसने ईसा मसीह को मृतकों में से जिलाया वह अपने आत्मा द्वारा जो आप में निवास करता है आपके नश्वर शरीर को भी जीवन प्रदान करेगा। जो शरीर नश्वर है, क्षणभंगुर है, इसको भी जीवन प्रदान करेगा। और आज के सुसमाचार, भले ही बहुत लंबा प्रसंग है, यूहन्न का सुसमाचार अध्याय 11 प्रसंग है, 1 से 45 के उस प्रसंग में लाजरस की मृत्यु और मृत्यु के बाद लाजरस का फिर जीवित करना, इस महान घटना का वर्णन है, काफ़ी लंबा वर्णन है। हम इसकी मुख्य बातें हम देखें। लाजरस प्रभु यीशु का मित्र मानते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अक्सर उनके घर जाया करते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि प्रभु वहाँ पर नहीं थे, आसपास भी नहीं थे, दूर थे, और लाजरस की मृत्यु होती है। लाजरस मार्ता और मरियम का एकमात्र भाई, एकमात्र सहारा, रोजी रोटी कमाने के लिए एकमात्र सहारा था। अब जब लाजरस मर गया और लाजरस को दफनाया गया, लेकिन प्रभु वहाँ पर नहीं थे। अब प्रभु वहाँ पर चौथे दिन पहुँच जाते हैं। अब एक तरफ से देखा जाए ऐसे परिवेश में, ऐसे परिस्थिति में सब कुछ खत्म है, जैसे बोलचाल की भाषा में लोग बोलते हैं, कोई व्यक्ति मर जाता है, फलाना व्यक्ति खत्म हो गया या मर गया या देहांत हुआ, लोग अलग अलग प्रकार से इसको बोलते हैं, यानी कि एक प्रकार से लाजरस खत्म है। अब मरकर 4 दिन हो चुके हैं और यहाँ पर क्या देखते हैं, बेतानिया का निवासी लाजरस नामक व्यक्ति बीमार पड़ गया। बेतानिया मरियम और उसकी बहन मार्ता का गांव था। यह वही मरियम थी जिसने इत्र से प्रभु का विलेपन किया और अपने केशों से उनके चरण पोंछे। उसका भाई लाजरस बीमार था, इसलिए बहनों ने ईसा को कहला भेजा, प्रभु देखिए जिसे आप प्यार करते हैं वह बीमार है। उन्होंने ये नहीं कहा हमारा भाई बीमार है, जिसे आप प्यार करते हैं, यानी कि प्रभु यीशु का एक लगाव था इस व्यक्ति से, लाजरस नामक व्यक्ति से, इसलिए संदेश इस प्रकार से भेजा, जिसे आप प्यार करते हैं वो बीमार है। ईसा ने यह सुनकर कहा, यह बीमारी मृत्यु के लिए नहीं बल्कि ईश्वर की महिमा के लिए आई है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि आगे क्या होने वाला, लाजरस के जीवन में क्या होने वाला, क्या क्या बीतने वाला, प्रभु को मालूम था, इसलिए प्रभु ने उत्तर दिया, यह बीमारी ईश्वर की महिमा के लिए है, इसके द्वारा ईश्वर का पुत्र महिमानित होगा। ईसा मार्ता और उसकी बहन मरियम और लाजरस को प्यार करते थे। वह सुनकर कि लाजरस बीमार है, वहाँ वे जहाँ थे वहाँ और 2 दिन रह गए, जहाँ पर थे वहाँ पर और 2 दिन रह गए, किंतु इसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया चलें। वहाँ पहुँचने पर ईसा को पता चला कि लाजरस 4 दिनों से कब्र में है। बेतानिया यरूशलेम से 2 मील से भी कम दूर था, इसलिए भाई की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने के लिए बहुत से यहूदी मार्ता और मरियम से मिलने आए। जैसे ही मार्ता ने यह सुना कि ईसा आ रहे हैं, उनसे मिलने गई। अब मार्ता और मरियम दोनों अपने भाई को खोने से बहुत दुखी हैं, बहुत पीड़ित हैं, बहुत परेशान हैं, उनका दुख बताने वाला नहीं है। अब चौथे दिन हो चुके हैं, जब उनको पता चलता कि यीशु आने वाले हैं, जैसे ही मार्ता को पता चला, मार्ता तुरंत बाहर निकल पड़ती है और यीशु से मिलने के लिए जाती है। मरियम घर में ही बैठी रही। मार्ता ने ईसा से कहा, और इस बात पर बड़े ध्यान दें, मार्ता ने ईसा से कहा, क्या कहा, प्रभु यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। प्रभु यदि आप यहाँ होते मेरा भाई नहीं मरता, यानी कि आप जो जीवन हैं, जीवन यहाँ होता तो मृत्यु यहाँ पर नहीं आती। इसकी गहराई देखिए, यदि आप जो जीवन है, जीवन यहाँ पर होता, मौत यहाँ पर मेरे घर में नहीं आती, मेरे घर में जीवन बना रहता।
अब जीवन नहीं है, मेरा भाई मर गया। यदि आप यहाँ होते, जीवन यहाँ पर होता, मृत्यु नहीं होती। यानी कि उजा दिन और रात एक साथ नहीं हो सकता। दिन होता तो रात नहीं होती, रात है तो दिन नहीं होती। यानी कि इस प्रकार से हमें समझने की जरूरत है। यदि दिन यहाँ पर नहीं होता, दिन यहाँ पर होता तो रात नहीं होती, रात नहीं आ सकती दिन में। जहाँ जीवन है वहाँ पर मृत्यु नहीं आ सकती। यदि आप वहाँ पर होते, मेरा भाई नहीं मरता। और मैं जानती हूँ कि आप अब भी ईश्वर से जो मांगेंगे, ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा। एक विश्वास की झलक देखिए। अब मैं जानती हूँ, अभी भी अगर आप ईश्वर से मांगेंगे, ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा। यानी कि मार्ता को ये बात पता था, प्रभु की गहराई, प्रभु की खासियत, प्रभु की विशिष्टता, कि प्रभु जीवन है। स्वयं प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, मैं हूँ जीवन, मैं हूँ पुनरुत्थान, मार्ग सत्य जीवन, मैं हूँ। प्रभु ने कहा, मैं जीवन, यीशु है तो जीवन है, यीशु नहीं है जीवन नहीं है। तो मार्ता कहती, यदि अभी भी आप ईश्वर से मांगेंगे, तुमको वही प्रदान करेगा। ईसा ने उससे कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। एक आश्वासन, तुम्हारा भाई जी उठेगा। अभी तो मर गया, तुम्हारा भाई जी उठेगा, क्योंकि जीवन यहां पर है तो जी उठेगा। मैं हूं पुनरुत्थान, मैं हूं जीवन, इसलिए तुम्हारा भाई जी उठेगा। मार्ता ने उत्तर दिया, मैं जानती हूं कि वह अंतिम दिन के पुनरुत्थान के समय जी उठेगा। अब मार्ता बोलती, हाँ, अंतिम दिन पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। ईसा ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, पुनरुत्थान भी मैं हूँ, जीवन भी मैं हूँ। और प्रभु के लिए कोई समय सीमा नहीं है। अंतिम दिन, कयामत का दिन, प्रभु के लिए दिन आज है, अब है। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, प्रभु कहता है। सबके लिए संदेश है, जो प्रभु में विश्वास करता है वो मरने पर भी जीवित रहेगा। यानी कि प्रभु में विश्वास करने का मतलब, प्रभु का अपनाना, स्वीकार करना, पवित्र जीवन जीना। और जो इस प्रकार का जीवन जीता है वो मरने पर भी जीवित रहेगा। और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। प्रभु यीशु कहता है, मैं हूँ जीवन, मैं हूँ पुनरुत्थान। मुझ में अगर विश्वास करेगा कोई, वो कभी मरेगा नहीं। यानी कि हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर मरेगा, क्योंकि शरीर हाड़ मांस से बना हुआ, इस मिट्टी से बनाया हुआ, मिट्टी का पुतला है। इस धरती पर जीवन बिताते वक्त हमें धारण करने के लिए ये मिट्टी का परिधान या शरीर हमें दिया गया, कमी कमजोरी से भरा हुआ या पुतला। एक दिन हमें हमारा इस धरती पर, हमारा एक रंगमंच है इस धरती, यह धरती रंगमंच है, इस पर जो अलग अलग किरदार हमें अदा करने दिए हैं, हमारा रोल अदा हो जाएगा, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। ये परिधान यानी कि शरीर मिट्टी से बना हुआ हमें उतार के यहाँ पर रखना होगा। ये क्षणभंगुर ये शरीर है, नश्वर है, तो इसको हमें त्यागना है। लेकिन हम लोग नहीं मरेंगे, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाले नहीं मरेंगे। प्रभु ने कहा, जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता हुए कभी नहीं मरेगा। यानी कि हम नहीं मरेंगे, हमारा शरीर जो मिट्टी से बनाया हुआ मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन हम जीवित रहेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु ने हम सबों को ये वरदान दिया है, जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता हुए कभी नहीं मरेगा। कभी नहीं मरने की आशीष प्रभु यीशु ने दी है। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो, मार्ता से प्रभु पूछता है। उसने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ कि आप वह मसीह हैं, ईश्वर के पुत्र हैं, जो संसार में आने वाले थे। कब्र के पास पहुँचने पर ईसा फिर बहुत व्याकुल होते, और कब्र एक गुफा थी जिसके मुँह पर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ था। ईसा ने कहा, पत्थर हटा दो। मृतक की बहन मार्ता ने उनसे कहा, प्रभु अब तो दुर्गंध आती होगी, आज चौथा दिन है, कैसे पत्थर हटाएं, अब चौथा दिन है, रहने दो। पूरा विश्वास नहीं है, गहरा विश्वास नहीं है। तब प्रभु आगे क्या कहता है, ईसा ने उसे उत्तर दिया, क्या मैंने तुमसे यह नहीं कहा कि यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा को देखोगी। इस पर लोगों ने पत्थर हटा दिया। ईसा ने आंखें ऊपर उठाकर कहा, पिता मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है। मैं जानता था कि तू मेरी प्रार्थना सदा सुनता है। मैंने आसपास खड़े हुए लोगों के कारण ऐसा कहा जिससे वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। इतना कहने के बाद ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकारा, लाजरस बाहर आओ।
प्रभु जो जीवन है लाजरस को, मरे हुए लाजरस को आवाज देता है, और प्रभु यीशु मसीह के जीवित, प्रभु यीशु मसीह की जीवंत वचन मरे हुए लाजरस के शरीर में प्रवेश करता है, और मरे हुए लाजरस के शरीर में जान आ जाती है, जीवन आ जाता है। जैसे कि आज पहले पार्ट में हमने सुना नबी एजेकल के ग्रंथ में, मैं तुम्हारे कब्रें खोल दूंगा, तुम्हें आत्मा रख दूंगा और तुम्हें जीवन आ जाएगा। और वही प्रभु जो जीवन और पुनरुत्थान है, मरे हुए लाश को संबोधित करता है, लाजरस बाहर निकल आओ। और यहाँ पर हम देखते हैं लाजरस बाहर निकला, मृतक बाहर निकला, उसके हाथ पांव पट्टियों से बंधे हुए थे और उसके मुंह पर अंगोचा लपेटा हुआ था। ईसा ने लोगों से कहा, इसके बंधन खोल दो और उसको चलने फिरने दो। जो यहूदी मरियम से मिलने आए थे और जिन्होंने ईसा का यह चमत्कार देखा, उनमें से बहुतों ने उनमें विश्वास किया। प्रभु जीवन देने के लिए आए। प्यारे भाइयों बहनों, 40 के अवधि में हम सभी हैं। प्रभु ने कहा, इसके बंधन खोल दो, इसको चलने फिरने दो, पत्थर हटा दो। बहुत बार हो सकता है हमने अपने जीवन पर वो बुराई, पाप, अन्याय, अत्याचार, अलग अलग प्रकार के पत्थर ढक रखे हैं, उसको हटाने की ज़रूरत है, ताकि हम उन सभी बोझ से छुटकारा पाके बाहर आ सकें। क्योंकि प्रभु आज के दिन में हम सबों को जीवन देना चाहता है, एक नया जीवन देना चाहता है। प्रभु हम सबों को एक नया जीवन देना चाहता है, हमें बाहर बुलाता है, बाहर निकल आओ, बाहर निकल आओ, पत्थर हटा दो, बंधन खोल दो। प्रभु हम सबों को आज़ाद करना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है, हम सबों में बहुतायत का जीवन भरना चाहता है। क्योंकि वो नहीं चाहता है कि हम दुखी रहें, पीड़ित रहें, परेशान रहें, बंधनों में रहें, जकड़े रहें, वो नहीं चाहता। वो ये चाहता है कि हम प्रभु में आनंद मनाएं, प्रभु का जीवन जिएं, आनंद का, खुशी का, प्यार का, मोहब्बत का जीवन जिएं, बहुतायत का जीवन जिएं। जिनका जीवन कुंठित हो गया पाप के वजह से, पाप के तमाम प्रकार की बुराइयों के वजह से कुंठित हो गया है, प्रभु मसीह हम सबों को बुलाता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन दूंगा। आइए भाइयों बहनों, आज के दिन में हम लोग प्रार्थना करें। 40 के इस अवधि में हैं, हमारा जीवन जो कुंठित हो गया पाप के वजह से, दब गया है, आज के दिन में प्रभु के हवाले अपने आप को समर्पित करें। प्रभु से कहें, प्रभु मेरे सारे बंधनों को खोल दे, सारे पाप का बोझ से मुझे मुक्त कर दे, मुझे छुटकारा दे, मुझे आज़ाद कर दे। मैं बहुतायत का जीवन जीते हुए प्रभु आपकी महिमा करना चाहता हूँ, आपकी महिमा देखना चाहता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस महान दिन के लिए। आपने हम सबों को संदेश दिया कि आप जीवन हैं और आप हम सबों को बहुतायत का जीवन देना चाहते हैं। चोर केवल चुराने, मारने, नष्ट करने आता है, लेकिन आप इस दुनिया में हम सबों को परिपूर्ण जीवन देने के लिए आए। प्यारे प्रभु जी, पाप के वजह से हमारा जीवन अधूरा हो गया, कुंठित हो गया है, हमारा जीवन कम हो गया है, बहुतायत का जीवन से परिपूर्णता के जीवन से हम सबों को भर दे प्रभु, जिससे कि प्रभु हम सभी निरंतर आपकी महिमा देख सकें। क्योंकि प्रभु आप ही जीवन है, आप ही पुनरुत्थान है। यदि हम आप में विश्वास करते हुए जिएंगे, हम कभी नहीं मरेंगे, बल्कि अनंत काल का जीवन हम सभी प्राप्त करेंगे। वही अनंत काल का जीवन हम सबों को प्रदान कर। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।